learner.com आज हम बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फाउंडेशन हमको कैसे देनी चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट भी देखेंगे जिसका हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए फाउंडेशन के टाइम। तो दोस्तों उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो हम पहले फाउंडेशन देते थे वो सही है कि जो हम आजकल फाउंडेशन देते हैं वो सही है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें जो फाउंडेशन दिया हुआ है ऐसा हम पहले यूज करते थे। इसमें क्या होता था कि हम एक्सकेवेशन के बाद नीचे 2 फीट का ब्रिक वर्क करते थे और जैसे जैसे ऊपर जाते थे ग्राउंड की तरफ तो हमारा साइज कम होता था। जैसे ग्राउंड पे जाके 9 इंच हुआ तो वहां से हमारे घर का मेन वॉल ऊपर स्टार्ट हो जाता था। तो दोस्तों इसमें क्या होता कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा ब्रिक बहुत ज्यादा लगता था जिसकी वजह से घर का कॉस्टिंग काफी बढ़ जाता था। और अब जो आप इमेज देख रहे हैं ये है फ्रेम स्ट्रक्चर जो हम आजकल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे घर का मेन लोड है वो कॉलम और बीम्स के थ्रू नीचे ट्रांसफर होता है, तो हम इसमें फुटिंग में बिल्कुल भी ब्रिक नहीं यूज करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा घर का थोड़ा कॉस्टिंग कम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन किया था, एक 1500 स्क्वायर फीट का घर पकड़ा था, उसमें कैलकुलेशन किया कि कितना फर्क पड़ता है दोनों कॉस्टिंग में। तो कैलकुलेशन जब भी निकाला तो पता चला कम से कम 50,000 रुपए का फर्क पड़ता है। जो आपको फ्रेम स्ट्रक्चर है वो 50,000 का सस्ता पड़ेगा दूसरे वाले से और आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं जब भी फ्रेम स्ट्रक्चर में फाउंडेशन कैसे देंगे, तो स्टेप वाइज अभी हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले मेन हमारा काम है वो है मार्किंग का। जो भी हमारे कॉलम ड्रॉइंग में दिए हुए हैं या प्लान में दिए हुए हैं उसको हम ग्राउंड में अच्छे से मार्क कर देंगे और फिर हमारा काम आता है एक्सकेवेशन का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पहले हम कॉलम का फाउंडेशन देखेंगे कि उसका साइज कितना है। मान लो कि अगर 4x4 का साइज है तो आपका जो एक्सकेवेशन होगा वो उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हमको थोड़ा मार्जिन पकड़ना पड़ता है, नीचे पीसीसी आएगा जो आपके फाउंडेशन से ज्यादा रहेगा और काम करने में भी थोड़ा इजी रहता है अगर एक्सकेवेशन थोड़ा ज्यादा हो। तो दोस्तों जैसे हम एक्सकेवेशन करेंगे तो फिर हमारा स्टेप आता है पीसीसी का। तो अभी पीसीसी में क्या है कि अगर तो आपका नीचे का ग्राउंड सख्त है, पहले हार्ड है, तो हम डायरेक्ट पीसीसी कर सकते हैं। बट अगर आपके नीचे ग्राउंड में स्ट्रेंथ नहीं है तो हमको पहले सोलिंग करना पड़ेगा और फिर उसका अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे फिर पीसीसी करेंगे। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाया हुआ है तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आपके नीचे फाउंडेशन का साइज कितना आएगा और आपको कितना डेप्थ लेना पड़ेगा आपके स्ट्रक्चर और नीचे ग्राउंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो दोस्तों फिर हमारा स्टेप आता है सोलिंग के बाद कंपैक्शन और फिर पीसीसी का। अभी पीसीसी क्या होता है, पीसीसी को हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। इसका जो कंक्रीट का ग्रेड रहता है वो M10 रहता है जिसकी रेशियो होती है 1:3:6, जिसमें 1 सीमेंट होता है और 3 सैंड होता है और 6 एग्रीगेट्स होते हैं। तो दोस्तों इसका जो हम थिकनेस रखते हैं नीचे वो 4 से 6 इंच रखते हैं और इसका पीसीसी का सिर्फ काम होता है जो हमारा फाउंडेशन होता है उसका जस्ट एक बेस बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों पीसीसी करने के बाद हमारा काम आएगा मेन फाउंडेशन का। तो दोस्तों जो हमारा फाउंडेशन का मार्किंग रहेगा वो हम पीसीसी पे अच्छे से मार लेंगे और उसका फिर हम शटरिंग करेंगे। तो दोस्तों शटरिंग करने के बाद फिर हमारा काम आएगा जो हमारे फाउंडेशन में स्टील डलेगा। तो अभी सबके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि हमको स्टील कितना डालना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमारा घर एक सिंगल और डबल स्टोरी है तो मोस्टली उसमें जो प्रैक्टिकली है वहां 12 mm साइज बार यूज करते हैं और जिसका 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है, तो मोस्टली हम ये ही यूज करते हैं अगर सिंगल और डबल स्टोरी है। तो अगर इससे ज्यादा है तो अच्छा रहेगा कि आप स्ट्रक्चर डिजाइन करवा लीजिए घर का। तो दोस्तों इस जाली को हम पीसीसी के ऊपर जो हमने मार्किंग किया हुआ है वहां पे प्लेस कर देंगे। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, जो हम जाली प्लेस करेंगे उसके नीचे कवर देना है कम से कम 40 mm, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सीधा जाली जाके नीचे रख दो। तो जब भी हम उस वहां पे जाली रख देंगे फिर हमारा आएगा कॉलम का काम। तो दोस्तों फिर हम कॉलम को भी जाली के ऊपर प्लेस करेंगे और इसमें देखना जो नीचे एल मारा होता है वो कम से कम 300 mm होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम कॉलम प्लेस करेंगे तो उसका पोजिशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें क्या है कि जब भी हम कॉलम कास्ट कर देंगे अगर थोड़ा पोजीशन आगे पीछे हो गया तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा। इसका जो पोजीशन है कॉलम का बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और जब भी आप कॉलम को खड़ा करोगे वहां पे जाली के ऊपर और उसको सपोर्टिंग भी अच्छे से देना चाहिए। क्या है कि जब भी हम फाउंडेशन को कास्टिंग करेंगे तो हमारा जो कॉलम है हिल जाता है। तो दोस्तों जब भी हम कॉलम खड़ा कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा उसको कास्ट करने का। तो दोस्तों जो हम कंक्रीट यूज करेंगे फाउंडेशन कास्टिंग के लिए वो मिनिमम रहेगा M20 और जिसका रेशो रहता है 1:1:3, जिसमें 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 हमारा एग्रीगेट्स रहेगा।
तो दोस्तों जब भी हम इसका कास्टिंग करेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे नीडल वाइब्रेटर। तो नीडल वाइब्रेटर से क्या होता है कि जो आपका कंक्रीट का कंपैक्शन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो हमारा फाउंडेशन है उसको दो टाइप में फिनिश कर सकते हो, जहां तो आप सोप कर सकते हो, जहां आप स्टेप दे सकते हो। तो अगर आप स्टेप दोगे तो थोड़ा ज्यादा मेहनत जाता है, तो अगर स्लोप में कर दे तो सही रहेगा। तो जब भी हम फाउंडेशन को स्लोप में फिनिश कर देंगे फिर हमारा ऊपर काम आता है कॉलम का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमको प्लिथ बीम कहाँ डालना चाहिए, उसका बेस कैसे बनाएंगे, उसमें स्टील कितना जाएगा और उसमें रिंग कैसे डालेंगे। तो ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे को मेल भी कर सकते हैं। होप है आपको वीडियो अच्छा लगा।